हेलो बच्चों, क्लास 11th इंग्लिश। मैंने लास्ट क्लास में आपको ये टेक्स्ट रीड कर रहा था, उसमें मैंने आपको वो तो बताया था कि कैप्टन इंग्लैंड के शहर से अपनी फैमिली के साथ निकला था। वो सेलिंग करना चाहता था और ये उसका एक शौक था। वो काफ़ी लंबी दूरी तय करने के बाद केप टाउन पहुंचा और वहां से सदर्न इंडियन सी के साइड मूव कर गया। लेकिन उसी समय में उसके साथ घटनाएं शुरू हो गई। 1 तारीख को जब तक वह पहुंचा क्रिसमस मनाने के बाद, तो बहुत बड़ा तूफान आ चुका था। उसके बाद का इंसिडेंट मैं आपको बता रहा हूँ। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम टू अबाउट 6 PM। इम्पेंडिंग यानी अबाउट टू हैपन, यानी कुछ होने वाला था। उसको कुछ अंदेशा, कुछ घटित होने का अंदेशा उसको 6 बजे के आसपास मिलने लगा। विथा ओमिया ओमिनस साइलेंस, ओमिनस यानी पूरा क्वाइट, क्वाइट साइलेंस, जहाँ पर कुछ आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। अपन बोलते ना, तूफान आने के पहले की शांति, वही इसका मीनिंग है। द विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमिडिएटली ग्रो डार्क। अचानक पूरा का पूरा स्काई काला हो गया और हवा शांति हो गई। दे कम अ ग्रोइंग रोर्स एंड इनॉर्मस क्लाउड टावर ऑफ्ट ऑफ द शिप, और शिप के आसपास, ऑफ्ट नियर द स्टर्न ऑफ द सी, शिप के आसपास बहुत सारे काले बादल दिखाई देने लगे, विथ हॉरर और डरावने दिखने लगे। आई रियलाइज दैट वॉज नॉट अ क्लाउड बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैव इवर सीन। वो बादल वगैरह कुछ नहीं थे, बल्कि उठने वाली तरंगे थी। वेव यानी तरंग भी होता है। इट अपियर परफेक्टली वर्टिकल, एलमोस्ट ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ अदर वेव, वी वर विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट। यानी ये कैसी थी, बहुत ऊंची ऊंची सीधे उड़ रही थी, जो तरंगे आ रही थी और वो डरा रही थी। ठीक है, तो ये डराते हुए मेरे को यहाँ पर दिख रही थी। इसका मीनिंग मैंने यहाँ पर कठिन वर्ड के मीनिंग दिए हैं, और जो मैंने आपको समझाया है उसको सही या सिंपल लैंग्वेज में मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए, नेक्स्ट टेक्स्ट में हो तो हम यहाँ से करते हैं। द रोअर इंक्रीज टू अ थंडर एज स्टर्न मूव ऑफ द फेस ऑफ द वेव। अब आपको क्या हुआ, यहाँ पर बहुत सारी आवाजें सुनाई देने लगी। जैसे जैसे रोअर ने शेर गुर्राता है, उसका बहुत बड़ा साउंड, वैसा टाइप का, जो समुद्र के सामने का पार्ट है स्टर्न, वो वेव के साइड मूव करने लगा। फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, बट देन अ ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक। उसने सोचा कि एक क्षण के लिए सोचा कि वो उसको क्रॉस कर लेगा, लेकिन उसने देखा कि जो डेक है उस पर एकदम से आवाज आ रही है, और बहुत तेज आवाज आई, और टोरन ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर ब्रोकन ओवर द शिप। टोरन बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा एक है ना, पानी उसके ऊपर आया और उसके शिप के ऊपर टकरा गया। माई हेड स्मैश्ड इन टू द व्हील एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव। अब वो क्या हो गया, जैसे पानी आपके पास ऊपर आए तो आप अंदर चले जाते हैं, डूब जाते हैं, है ना, वैसी वाली घटना उसके साथ हो गई। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ। उसने यह स्वीकार कर लिया कि अब मैं मृत्यु की ओर जा रहा हूं। एंड आई वॉज लूजिंग कॉन्सियसनेस, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल। और उसने अपना कॉन्सियसनेस छोड़ना शुरू कर दिया और वह शांत हो गया। ट्रिमेंडस वेरी ग्रेट इन अमाउंट, शूक पास्ट टेंस ऑफ शेक, शेक यानी हिलाना। डेक जो शिप होती है, शिप के ऊपर का जो बेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेक बोलते हैं। टॉरेंट वेरी फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर,
टोरेंटियल रेन बोलते हैं ना, बहुत तेजी से वर्षा होती है, दैट इज कॉल्ड टोरेंट। स्मैश्ड, शेटर और वायलेंटली ब्रोकन, बहुत तेजी से जो कैसा हो गया, टूट गया। ठीक है, इसका मीनिंग यहां पर भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है इन इजी लैंग्वेज, यू कैन रीड इट एंड यू कैन अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट टेक्स्ट इज, ठीक है, नेक्स्ट टेक्स्ट हम देखते हैं, अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट द वॉटर। पॉप्ड आउट यानी सिर घुस जाता है और बाहर आता है ना, वो वाली कंडीशन। अ फ्यू मीटर्स अवे वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग एज हर मास्ट ऑलमोस्ट होरिजेंटल, देन अ वेव हर्ड हर अपलाइट माई लाइफ लाइन जर्क टॉट, आई ग्रेब द गॉड रेल एंड सेल थ्रू द एयर इन टू वेव मेकर मैन बूम। सब्सिक्वेंटली वेव टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल, माई लेफ्ट रिब क्रैक्ड, माई माउथ फिल्ड विद अ ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, सम हाउ आई फाइंड द व्हील लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन। ठीक, वॉटर वॉटर एवरीवेयर, आई कुड फील दैट द शिप हैड वॉटर ब्लो, बट आई वॉज देयर नॉट अबॉन्डे अबॉन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मेरी अपीयर, वी आर सिंकिंग शी स्क्रीम्ड, द डेक आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वॉटर, टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रेम्बल्ड फॉर द हैच। मैंने इसको रीड करके वो तो बताया है, ठीक है, इसका मीनिंग देखिए, फिर मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। कैप्साइजिंग, बी ओवर टर्न इनटू वाटर, यानी वाटर से अपन को हट जाना। हर्डल, थ्रो विद अ ग्रेट फोर्स, हर्डल पानी आता फेंकता, इसको हम हर्डल बोल देते। टॉप स्क्वीज्ड और पुल्ड टाइटली, बहुत तेजी से पकड़कर खींचना। बूम, पोल दैट कंट्रोल द एंगल एंड शेप ऑफ द सेल। आप देखिए, एक शिप में पोल टाइप का लगा रहता है, उससे अपन शिप के डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर लेते हैं। हैच यानी डोर, द रेनेटर्स हैड पॉप्ड आउट द वाटर, द शिप वॉज अबाउट टू ओवर टर्न, बट वेव टर्न हर अपराइट। अब क्या हो रहा था, शिप पूरा टर्न यानी कुछ ज्यादा ही मुड़ गई और ऐसे होने लगी, क्योंकि वेव वहां से सामने से आ रही थी। लाइफ लाइन जैकेट वॉज स्ट्रेच्ड, उसका जो लाइफ लाइन जैकेट पहना हुआ था वो कैसा हो गया, खिंच गया था। ही ग्रिप्ड द गॉड रेल एंड सेल द शिप मेन पोल, द वेव टॉस्ड हिम अराउंड द डेक। अब क्या हो गया, जो वेव आई उसने उसको डेक के साइड मूव करा दिया। ही वॉज इंजर्ड, ही वॉज इंजर्ड, इंजर्ड यानी दुर्घटना हो जाती है, चोट लग जाती है, उसको इंजर्ड बोलते हैं। एज हिज लेफ्ट रिब्स क्रैक, उसकी लेफ्ट रिब्स क्रैक हो गई। हिज माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ही हैड अ ब्रोकन टू, और उसके मुंह में खून ही खून आ गया और उसके दांत टूट गए। ही फाउंड दैट द व्हील लाइन द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड वेटेड, देर वॉज वॉटर एवरीवेयर, वहां पर केवल पानी पानी हो गया। द नरेटर कुड फील वॉटर ब्लो द शिप, बट ही डिडेंट लीव द व्हील अलोंग। अब वह वापस, वह सब जगह पानी पानी फील कर रहा था, ठीक है, और अब वो कहीं पर भी व्हील व्हील चलाने के पास नहीं जा सकता था। सडनली द फ्रंट रोप ओपन एंड हिज वाइफ मेरी, अचानक डोर खुला और उसकी वाइफ आ गई। केम स्क्रीमिंग दैट दे आर सिंकिंग, स्क्रीमिंग यानी चिल्लाई कि हम डूब रहे हैं, सिंकिंग यानी डूब जाना, डूबते जाना। शी सेड द डेक आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर, डेक यानी जो इसका आपका शिप है उसका पार्ट पूरा डूब टूट चुका है
और हम पानी और वह पानी से भर गया है। द नरेटर हैंडेड हिज व्हील एंड क्लाइम टूवर्ड द डोर, और उसने अब व्हील को पकड़ के वह डोर यानी दरवाजे की ओर चला। लैरी एंड हर वेयर पंपिंग देयर मैडनेस, लैरी और हर्ब्स ये उसके बच्चे थे है ना, ठीक है, वो दोनों पंप को पागलों जैसे चला रहे थे। ब्रोकर टिम्बल हंग एट क्रेजी एंगल, द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ग इनवर्ड, क्लोथ क्रॉकरी चार्ट टिन टॉय स्लोज्ड अबाउट इन डीप वाटर। इसका मतलब क्या हो गया, उसके अंदर जितनी भी चीजें हो तो रखी हुई थी, क्लोथ है क्रॉकरी है सब पानी में डूब गए थे। आई फॉल स्वेम हाफ क्रॉवल्ड इन टू द चिल्ड्रंस केमिंग, आर यू ऑल राइट, वो कैसा हो गया, आधा हो गया चलते हुए, यहां पर क्या हुआ, वो आगे चला और उसने वो तो बच्चों से वो तो पूछा तुम लोग ठीक है, ठीक हो, आई आस्क दे आंसर फ्रॉम द अपर बंक, बट माई हेड हर्ट अ बिट, सेड सू पॉइंटिंग टू अ बिग बम अबोव हर आईज, आई हैड नो टाइम टू बरी अबाउट बम्प्ड हेड, आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर स्क्रू एंड कैनवास आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक with the starboard side dimmed open and we were taking water with each wave that broke over us, I could not make some repair, we would surely sink। अब उसके हाथ में जो जो आया उससे उसने क्या कर दिया, डेक में ऊपर आने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो कुछ भी अपना रिपेयरिंग नहीं कर पा रहा था और वह सोचा कि अब हम डेफिनेटली डूब जाएंगे। तो देखिए टिम्बर क्या होता है, वुड से रिलेटेड होता है, स्टारबोर्ड साइड ऑफ द शिप विच इज ऑन द राइट साइड व्हेन वन इज फेसिंग फॉरवर्ड, बल्क शेल शेलिंग है ना ये अंदर पानी लेना, ठीक, स्लोज्ड मूव थ्रू लिक्विड विद अ स्प्लैशिंग साउंड, की आवाज आती है वही हो जाता है, वॉज स्ट्राइक हार्ड बहुत तेजी से टकराना, ठीक है। तो ये मैंने इसका मीनिंग बताया है, ठीक, यही आपको लिखा हुआ है, इसको आप एक बार रीड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पैरा इज समहाउ आई मैनेज टू स्ट्रेस कैनवास, मैंने किसी ना किसी तरीके से कैनवास को खींचना यहाँ पर प्रारंभ कर लिया। सिक्योर वाटरप्रूफ हैच कवर अक्रॉस द गैपिंग होल, अब इसने क्या किया, जहां जहां था गैप था होल था वहां पर उसको भरने की कोशिश करी। सम वाटर कंटिन्यू टू स्टीम बिलो बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बींग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन बहुत सारा पानी किनारे से निकलने लगा। मोर प्रॉब्लम अक्रॉस व्हेन आवर हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द केबिन एंड इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, डेब्रिस फ्लोटिंग यानी जो समुद्र का कचरा वगैरह आके उसके पंप में फंस गया और पंप भी कैसा हो गया, ब्लॉक होना स्टार्ट हो गया और वो शॉर्ट सर्किट हो गया। द वॉटर लेवल रोज थ्रीटनिंग बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर टू स्पेयर हैंड पंप हैड बीन व्रेंच्ड ओवरबोर्ड अलोंग विद द फोर स्टेसेल द जिप द डिंगीज एंड द मेन एंकर। अब उसने वो तो देखा कि जैसे ही ये शॉर्ट सर्किट होने लगा तो उसके सारे जो स्पेयर पंप हैं वो भी ओवर बोर्ड पर ऐसे टूटने टाइप के होते लगे और वो जो बांधता था एंकर करता था उसमें भी प्रॉब्लम होने लगी, ठीक। देन आई रिमेम्बर वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर, फिर उसको याद आया कि वहां पर एक और पंप है जो चार्ट रूम के अंदर है। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क, फिर उसने क्या कर दिया, इसको आउटलाइन पाइप से कनेक्ट किया, उसने देखा कि यह कार्य कर रहा है ना वर्किंग में, मीनिंग देख लीजिए, डिफ्लेक्टेड टर्न असाइड कैनवास स्ट्रॉन्ग
अनब्लीच्ड क्लोथ यानी कैनवास, तो आप जानते ही ना, जो पानी आनी इसे कवर करने के लिए आता है। डेब्रिश रविश समुद्र का कचरा, व्रेंस्ड फुल सडनली रिमूव्ड फोर स्टे अ रोप टू सपोर्ट शिप फॉलमोस्ट। जैसे आप ग्वारीघाट वगैरह होता जाइए, वहां पर शिप को बांधने के लिए एक रस्सी लगाई जाती है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, फोर स्टे बोलते हैं। डिंगीज अ स्मॉल बोट फॉर रिक्रिएशन विथ मास्ट और सेल। एक छोटी सी बोट, जब समुद्र वगैरह में तूफान आ जाता है तो एक छोटी बोट उनके साथ होती है जिसको वो डाल के चल जाते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, इस पूरे को रीड करिएगा। नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली अपन इसको एंड करेंगे और मैं एक को रिवाइज करूंगा। ये स्टोरी बड़ी है इसलिए एक एक वर्ड आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ओके।